हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑब्जेक्टिव अड्डा। ऑब्जेक्टिव अड्डा के नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी लेके आ गए हैं। तो आपको पता होगा कि आपने वैसे थंबनेल में भी देख लिया होगा, नासिक और भुज दोनों का ही रिजल्ट जारी हो चुका है। और रिजल्ट जारी होने के साथ में हमारे पास में PDF भी अवेलेबल हो चुकी है। तो अब ये PDF आपको कहाँ पर मिलेगी, इसके लिए तो अपन वीडियो को आपको लास्ट तक देखना ही होगा। वहाँ पर डिस्कस करेंगे लास्ट तक कि आपको ये PDF भी कहाँ पर मिल जाएगी। और उससे पहले हम आपको एक एक PDF भी दिखाएंगे। और लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि कितने स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है, सारा का सारा प्रोसेस आपको समझ में आ जाएगा। और अगर आपके पास में भी मान लो मैसेज नहीं पहुंच पाया और अगर इस PDF में आपका नाम है तो आपको पता चल जाएगा कि आपका सिलेक्शन हो गया। तो बस आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और हम इसके बाद में भी एक सोच रहे थे कि कल सुबह आपको एक ऐसा वीडियो प्रोवाइड करवाएं जिसके अंदर अभी तक जिस भी सेंटर का रिजल्ट आया है वो सारे के सारे ही सेंटर उसके अंदर आपको बता दे कि इस सेंटर का रिजल्ट आया है। लेकिन अगर आपको रिक्वायरमेंट है आप कमेंट बॉक्स में बता देना कि हमें ऐसा वीडियो चाहिए। अगर और नहीं चाहिए तो चलो कोई नहीं, फिर नहीं बनाएंगे। अब चलो सबसे पहले देख लेते हैं, वो देखेंगे अपन भुज के जो सेंटर की जो लिस्ट है उसको। तो यहां पे आप देख सकते हो, मैं थोड़ा सा आपको जूम कर देता हूं आपके लिए। चलो ये देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है, डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट रिटर्न एग्जामिनेशन कंडक्ट, यानी कि एग्जाम कब हुआ था, 24 जुलाई 2021 को एग्जाम हुआ था। और पोस्ट कौन सी थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट पोस्ट कौन सी थी, मेस स्टाफ की पोस्ट के लिए। वैसे ग्रुप के अंदर भी बार बार मैसेज आ रहा था स्टूडेंट का कि सर हमारे भुज का रिजल्ट नहीं है भुज का। तो अब आप देख लो आपका रिजल्ट आ चुका है। अब सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज़ आपके लिए कि आपको ये PDF कहाँ पर मिलेगी वो तो अपन लास्ट में डिस्कस कर ही लेंगे। लेकिन आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। उसके अलावा आप हमसे कुछ भी पूछना चाहते हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दो। लेकिन आपसे बस एक रिक्वेस्ट है, अभी मोस्टली स्टूडेंट क्या कर रहे हैं कि मैसेज करके और सिर्फ हाई लिख के फिर छोड़ देते हैं। जब हम उसका कोई रिप्लाई देंगे तब वो अपनी क्वेरी पूछते हैं। तो देखो हम आपका हाई का हेलो, हाई हेलो, हाई हेलो करने से क्या मतलब है, आप सीधे सीधे आप अपनी क्वेरी लिख के जरूर भेज देना। अब यहां पर चलो देख लेते हैं, यहां पर आप देख सकते हो 24 जुलाई 2021 को इनका रिजल्ट आया था। और एक चीज ये है कि जो ये लिस्ट है सारी की सारी हमें स्टूडेंट ने प्रोवाइड करवाई है। तो अगर ये कुछ भी मान लो होता है, आप ये कहते हो कि फिर सर लिस्ट के अंदर मान लो ये प्रॉब्लम गई, ये कुछ चीज क्लियर नहीं दिख रही है क्योंकि हमने वहां जाके फोटो नहीं ली थी, किसी और ने फोटो लेके भेजी है, तो उस हिसाब से थोड़ी सी कहीं दिखने में भी प्रॉब्लम हो सकती है, उसको आप मैनेज कर लेना। अब यहां पे देखो यहां पे कौन कौन से, ये मेस स्टाफ के लिए रिजल्ट आया अपन ने ऑलरेडी देख चुके हैं और 24 जुलाई 2021 को इनका एग्जाम हुआ था। अब यहां पर कैसे रिजल्ट लगा ये भी चलो देख लेते हैं। तो यहाँ पे बात करें तो देखो यहाँ पे क्या क्या लगाया, इन्होंने नाम लगाया है, डेट ऑफ बर्थ और जो इंडेक्स नंबर है इसके साथ में। अब आप अगर एक काम करना, वैसे सबके अगर हम नाम पढ़ने लग जाएंगे तो कम से कम वीडियो एक घंटे भर का हो जाएगा जिसके अंदर सबके नाम ही पढ़ते रहेंगे। हम आपको वैसे धीरे 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 स्क्रॉल करके भी दिखा रहे हैं। और इसके अलावा आपको PDF मिल जाएगी, तो PDF में आप जरूर देख लेना कि आपका नाम है या नहीं है। अब ये देख सकते हो आप, इसको मैं धीरे धीरे थोड़ा सा आगे आगे बढ़ा रहा हूँ, आप देख लेना अगर आपका नाम आता है तो मेस स्टाफ के लिए पोस्ट का ये रिजल्ट है। तो यहाँ पर ये लिस्ट लगी हुई है और इसके अंदर यहाँ टोटल स्टूडेंट को कितने को पास किया है तो ये भी देख लो, 20 स्टूडेंट को पास किया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि इन स्टूडेंट को जाना कब है, इनका स्किल टेस्ट कब होगा। तो स्किल टेस्ट इनका कब होगा, रिपोर्टेड इनको कब जाना है, 22 अगस्त 2021 को इनको जाना है। और कहां पे कॉल लेटर आपको लेके जाना है, पोस्ट कैंडिडेट फॉर लाइसेंस विथ देयर पोस्ट ऑफिस विथ डिलीवरी। ये कहने का इनका मतलब है कि हमने कॉल लेटर भी भेज दिया है इन सबको, लेकिन अगर आपका इसका नाम है तो भी आप वहां पर जा सकते हो। अब चलो देख लेते हैं नेक्स्ट लिस्ट, यहां पर आप सभी ने देख लिया होगा, वैसे अगर आपका भी नाम दिख रहा हो तो बहुत बड़े आपको बधाई है पहले से ही। और आप यहां पे लिस्ट में देख सकते हो। अब जो आपको सेकंड लिस्ट है वो दिखा देता हूं मैं, यहाँ पे ये लिस्ट कौन से एग्जाम की लगी हुई है। तो यहाँ पे आप देखना, डायरेक्ट रिक्वायरमेंट ग्रुप सी के लिए हो गया है, हेडक्वार्टर साउथ वेस्टर्न कमांड एयरपोर्ट्स पोस्ट, मेस स्टाफ की पोस्ट के लिए भी ये लगी हुई है PH वालों की कैटेगरी के लिए। और इस लिस्ट भी ये कहाँ की, भुज की लिस्ट है, ये जरूर याद रखना। और ये एग्जाम कब हुआ था, 23 अगस्त 2021 को हुआ था। और इसके अंदर कितने स्टूडेंट को पास किया है, वैसे अगर आपका नाम है तो आप यहाँ पर देख सकते हो। और आपको अगर PDF भी मिल जाएगी, वैसे PDF में भी आप देख लेना कि आपका नाम आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ये लिस्ट कंप्लीट हो गई, यहाँ पर 10 स्टूडेंट को पास किया। अब चलो देख लेते हैं अपन नासिक वाली लिस्ट के अंदर। सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्योंकि मोस्टली नासिक के अंदर बहुत ज्यादा स्टूडेंट ने दिया था एग्जाम, और आप उसका कमेंट करके जरूर बताना कि सारे जितने रिजल्ट आए उनका कमेंट वीडियो बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। तो अब ये सबसे इंपॉर्टेंट, जिनका सबसे ज्यादा स्टूडेंट को जिसका इंतजार था, यहां पर आप देख सकते हो वो है लिस्ट ऑफ कैंडिडेट वो क्वालिफाइड फॉर स्किल टेस्ट। यहाँ पे लिस्ट नॉट एज पर मेरिट, यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि मेरिट के हिसाब से, मतलब कि ये फाइनल लिस्ट नहीं है, ये सिर्फ स्किल टेस्ट के लिए ही आपको बुलाया गया है। ये चीज़ आप ध्यान रखना, ये नासिक का है यहाँ पे, और डेट एंड टाइम यहाँ पे आपको दी गई है। अब सबसे इंपॉर्टेंट है
कि आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो लिस्ट लगी हुई है ये कौन से के लिए है। तो यहाँ पे जो ड्राइवर के जो जिन स्टूडेंट ने एग्जाम दिया था उनकी लिस्ट लगी हुई है। इनका स्किल टेस्ट कब होगा? 18 अगस्त 2021 को स्किल टेस्ट होगा। वो टाइमिंग क्या है? 7:30 बजे से सुबह इनका स्किल टेस्ट होगा। अब रोल नंबर आप देख सकते हो, यहाँ पर मैं आपको एक एक रोल नंबर दिखा देता हूँ आराम से। देखो इसमें भी कम से कम 14 से 15 स्टूडेंट का रोल नंबर है, तो अपन एक एक पढ़ेंगे तो आपका बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। और अगर मान लो जिसने ड्राइवर का फॉर्म नहीं भरा है तो उसके लिए कम से कम 2-4 मिनट आराम से ऐसे वेस्ट हो जाएंगे। तो आप देख लेना, इनमें से अगर आपका नाम रोल नंबर आ रहे हैं तो आप ज़रूर वहाँ पर जाना, आपका स्किल टेस्ट के लिए आप क्वालिफाई हो। अब यहाँ पर आपने देखो, एक बार और दिखा देता हूँ आपको ये लिस्ट आप ज़रूर देख लेना। आपने अगर ड्राइवर का फॉर्म भरा तो ये आपके लिए लिस्ट है। अब जो नेक्स्ट लिस्ट है अपने लिए वो है, और देखो एक सभी स्टूडेंट है कि अगर आपके पास में कोई भी एयरपोर्ट स्टेशन लगता है वहाँ पे लिस्ट लगती है तो आप हमें लिस्ट ज़रूर भेजिए। और भेजनी कहाँ पे? आपको टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पे भेज सकते हो, दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ये जो अगला ये है वो किस पोस्ट के लिए है ये चलो देख लेते हैं। ये भी नासिक की लिस्ट लगी हुई है, और नासिक की लिस्ट ये किसके? CMTD वालों के लिए है। तो इसके अंदर भी देखो आप क्या, इनको कब जाना है? जो पहले लिस्ट दिखाई थी इनको 18 अगस्त को जाना है। इनका जो स्किल टेस्ट होगा वो कब होगा? 20 अगस्त को होगा, और कितने? 7:30 बजे से ही होगा। यहाँ पर जो इसके लिए जो क्वालिफाई स्टूडेंट हैं वो कितने हैं? देखो 3 तो ये हो गए, 3, 6, 3, 9, 12 और 13, 14 स्टूडेंट को इसमें क्वालिफाई किया है इन्होंने। अब ये अगर इनमें से किसी भी आपका रोल नंबर है तो आप जरूर जाना, आपके लिए बहुत ही ज्यादा खुशखबरी वाली बात है ये। अब चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला वो है, वो लिस्ट है यहां पर, यह भी CMTD वालों की लगी हुई 20/8/2021 को। तो यहाँ पे जो बच गए थे उसके अंदर पहले ये लिस्ट लगी हुई थी, मतलब इसमें से जो नाम बच गए थे वो वहाँ पे अगले वाली लिस्ट के अंदर लगे हुए थे, यहाँ पे भी आप देख सकते हो। अब चलो नेक्स्ट दिखा देता हूँ मैं आपको, जो मेन जो लिस्ट लगी हुई है फायरमैन वालों के लिए। एक दो स्टूडेंट का ग्रुप में भी बार बार मैसेज आ रहा था, सर मैंने फायरमैन का रिजल्ट का मेरे क्या हुआ, फायरमैन का क्या हुआ। तो अब देख लो आपके फायरमैन का रिजल्ट भी आ चुका है, और ये भी कहाँ की है? नासिक की लिस्ट है। और इनके जो स्किल टेस्ट होगा फायरमैन वालों का कब होगा? 18/8 को स्किल टेस्ट होगा सुबह 7:30 बजे। यहाँ पर भी कितने स्टूडेंट को पास किया है तो आप देख सकते हो, 9, 12 और 13 स्टूडेंट को भी इसके अंदर भी पास किया है। अगर इनमें से किसी में भी आपका रोल नंबर आ रहा है तो आपके लिए भी फिर से सभी को बेस्ट ऑफ लक, अपना अच्छे से स्किल टेस्ट देके आना। और आप इस टेंशन में मत रहो कि मतलब मेरा होगा या नहीं होगा, बस आप अपना 100% देखा हो, क्योंकि जब ये भी मान के चलो स्किल टेस्ट भी जब उन्होंने पास करवाया है तो वो ज़रूर आपका मतलब सही जैसे ही सारा प्रोसेस सही से ही होगा। देखो आप यूट्यूब पर सारी चीज़ें नहीं बोल सकते, लेकिन आप समझो इसमें कुछ भी ऐसा गलत नहीं होने वाला है, सब कुछ सही से ही होगा आपके। इसके बाद में है यहाँ पे नेक्स्ट देख सकते हो, यहाँ पे फायर इंजीनियर ड्राइवर के, तो फायर इंजन ड्राइवर है उनकी भी लिस्ट लग चुकी है। और यहाँ पे कितने स्टूडेंट को पास किया है? तो 9 स्टूडेंट को पास किया है। और इनका एग्ज़ाम कब होगा? 18 अगस्त को ही इनका एग्ज़ाम होगा, ये भी आप देख सकते हो। और यहाँ पे ये भी, ये यहाँ पे आप कहाँ की लिस्ट है? ये नासिक की लिस्ट है, ये भी सारी की सारी ये दोनों हैं। और अब जो लास्ट अपनी जो लिस्ट है वो है कारपेंटर की लिस्ट लगी हुई है। कारपेंटर की लिस्ट के अंदर भी आप देख सकते हो इनका 18 अगस्त को ही होगा। और यहाँ पे इनके जो रोल नंबर लगे हुए हैं ये सारे के सारे रोल नंबर भी आप देख सकते हो, 18 अगस्त 2021 को 7:30 बजे। और आप जिस भी स्टूडेंट ने भेजा था वो उसका हम आपको कमेंट में पिन भी कर देंगे किस स्टूडेंट ने भेजा था, तो आप जरूर उनको थैंक्स कहना, क्योंकि यहाँ पे जिस वो भेजा था उन्होंने वो दूसरा मोबाइल था तो उसके अंदर वो रह गए सारे, उनकी डिटेल वो यहाँ पर आपको बता नहीं सकते, उनका नाम हम जरूर कमेंट में पिन कर देंगे, आप उनको थैंक्स जरूर कहना। अब जो अपना लास्ट है वो है यहाँ पे, ये लिस्ट देख सकते हो, वैसे अभी और भी है तो 2 लिस्ट और आई हुई है। अगर आपने इस स्टेट में फॉर्म भरा है तो आपको ये भी, आप ये सारे के सारे रोल नंबर देख लेना, इनमें से अगर आपके रोल नंबर आ रहे हैं तो आपको भी भाई बेस्ट ऑफ लक, आप अपने आराम से एग्जाम देने जाना, वापस स्किल टेस्ट की तैयारी करो। और ऐसे ही एक चीज़ और है, देखो बाकी सारे जैसे कि अभी जामनगर वालों का रिजल्ट आ रहा है तो मोस्टली सभी स्टूडेंट का यही डाउट है कि सर मतलब हम कहाँ से देखें, हमें कौन सी ऑनलाइन साइट से देखें। तो आपको ऑनलाइन साइट कहीं पर भी नहीं मिलने वाला है, आपको सिर्फ एक काम करना है कि जब आपका रिजल्ट आता है और आपका जब सिलेक्शन आप हो जाओगे तो आपको सिर्फ अपनी मेल आईडी चेक करते रहना है, मैसेज बार बार चेक करते रहना है, और साथ में आपको मोबाइल को हमेशा कोशिश कीजिए कि स्विच ऑफ ना रखो, क्योंकि वहाँ से वो आपको कॉल के थ्रू ही बताते हैं। तो मोबाइल को आप स्विच ऑफ मत रखना और अपनी मेल जरूर बार बार चेक करते रहना। अब जो लास्ट है ये लिस्ट है फायरमैन की, जो लिस्ट लगी हुई है फायरमैन में, देखो काफ़ी स्टूडेंट को पास किया है, इनका भी 18 को ही है स्किल टेस्ट। तो ये जो लिस्ट हमने अवेलेबल थी अभी ये सारी सारी आपको ये बता दी है, नासिक की यही लिस्ट है। तो भुज और नासिक की जो लिस्ट हमें एक स्टूडेंट ने भेजी थी, अब ऐसे ही अगर आप गांधीनगर के पास में रहते हो तो वहाँ पर अगर लिस्ट लगी हुई तो आप हमें ज़रूर लिस्ट भेजना, ताकि और भी स्टूडेंट की हेल्प हो जाए। बाकी वैसे मेल तो सभी को आई हुई है, कल अगर वो वीडियो आपको हो गया बनाना है तो हम उसके अंदर और डिस्कस कर लेंगे।
अब सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये लिस्ट जो सारी की सारी हमने आपको दिखाए हैं ये मिलेगी कहाँ पे आपको, तो इसमें आपको इधर उधर कहीं नहीं घूमना है, सीधा सा आपको ऑब्जेक्टिव अड्डा का जो चैनल बना हुआ है, अभी कम से कम 10-15 मिनट के बाद में आपको ऑब्जेक्टिव अड्डा का जो चैनल बना हुआ है उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर सारी की सारी PDF अपलोड कर दी जाएगी, वहाँ से आप ये रिजल्ट देख सकते हो। अब दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।